पाठ योजना 19 डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, सबसे ऊपर हेडिंग डालेंगे पाठ योजना 19 नाम से, इधर लिखेंगे दिनांक, फिर कक्षा, फिर विषय, फिर चक्र और फिर अवधि। सबसे ऊपर हेडिंग पड़ेगी प्रकरण, फिर इधर लिखेंगे आकार एवं प्रकार। सबसे पहली हमारी हेडिंग होगी सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम जो है इन तीन उद्देश्यों को जिस प्रकार लिखे हैं उसी प्रकार लिख लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी पड़ेगी विशिष्ट उद्देश्य, इसमें लिखेंगे छात्रों को विभिन्न प्रकार की आकृतियों से परिचित कराना। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी सहायक सामग्री के नाम से, इसमें लिखेंगे चार्ट, सैंपल तथा शिक्षण उपयोगी अन्य वस्तुएं आदि। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान नाम से, इसमें लिखेंगे छात्र वस्तुओं को पहचानने में सक्षम है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी वह पड़ेगी प्रस्तावना प्रश्न, इसको दो कॉलम में डिवाइड करेंगे, एक तरफ छात्राध्यापिका क्रियाएँ, एक तरफ छात्र क्रियाएँ। इधर पहला प्रश्न लिखेंगे इसका उत्तर, दूसरा प्रश्न लिखेंगे इसका उत्तर लिखेंगे नीचे से देखकर ये, और थर्ड प्रश्न लिखेंगे इसका उत्तर लिख देंगे जिस प्रकार लिखा है उसी प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी उद्देश्य कथन, इसमें लिखेंगे बच्चों आज हम सब विभिन्न प्रकार की आकृतियों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रस्तुतिकरण, इसको तीन कॉलम में इस प्रकार से डिवाइड करेंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाएँ और छात्र क्रियाएँ। इधर लिखेंगे वस्तुओं के आकार, इन तीन प्रश्नों को लिखेंगे और इन तीन उत्तरों को इसी प्रकार नोट कर लेंगे। चौथा प्रश्न लिखेंगे इसका उत्तर लिख लेंगे, फिर नीचे लिखेंगे हम छात्रा अध्यापिका कथन, इसको इसी प्रकार नोट करेंगे जिस प्रकार लिखा है उसी प्रकार। नीचे के भी इन दोनों कथनों को इसी प्रकार नोट कर लेंगे और अगले कॉलम में इसको लिखेंगे। इसके बाद नीचे और दो कथन हैं, इनको भी नोट कर लेंगे जिस प्रकार लिखे हैं उसी प्रकार। नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी श्यामपट कार्य, इसमें एक ब्लैक चार्ट का टुकड़ा काटकर अपनी फाइल पर चिपकाएंगे और व्हाइट स्पार्कल की मदद से इन तीनों चित्रों को बनाएंगे और उनका नामकरण भी कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग होगी वह होगी मूल्यांकन प्रश्न नाम से, मूल्यांकन प्रश्न नाम से हेडिंग डालेंगे और इन तीनों प्रश्नों को बारी बारी से लिख लेंगे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी वह होगी निरीक्षण कार्य, इसमें जिस प्रकार से यह निरीक्षण कार्य लिखा है इसी को इसी प्रकार लिख लेंगे बिना कोई परिवर्तन किए हुए। लास्ट हेडिंग होगी हमारी गृह कार्य, इसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका द्वारा छात्रों से गोलाकार तथा बेलनाकार वस्तुओं के नाम लिखकर लाने के लिए कहा गया, लेकिन ये हमें नहीं देना है, इसको कट कर देना है, बल्कि यहाँ पर हमें लिखना है कि जो काम कक्षा में कराया गया है उसको घर से रिवाइज करके आएंगे, हमें उनको रिवीजन के लिए कहना है। तो पाठ योजना 19 हमारी कंप्लीट होती है, पाठ योजना 20 हम जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पिछली पाठ योजना नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, पाठ योजना यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के नाम से, उस पाठ योजना में उस प्लेलिस्ट में आपको क्रम वाइज वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक भी किया होगा और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी किया होगा, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा। तो दोस्तों इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।